हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं गीत नया गाता हूं गीत। भारतीय राजनीति के धुरंधरों में बड़ा नाम और अपने भाषण व व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अटल जी पत्रकारिता से राजनीति के शिखर तक पहुँचने वाले पहले नेता थे। वे 12 बार सांसद रहे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये उपलब्धि किसी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इन सभी नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी। भाजपा के कद्दावर नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। अटल जी के पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था और माँ कृष्णा देवी थी। अटल बिहारी 6 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने और जीतने वाले इकलौते नेता हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से अटल ने चुनाव जीतकर एक नया अलग मुकाम बना लिया था। अटल 12 बार सांसद चुने गए, जिसमें लोकसभा से 10 बार और 2 बार राज्यसभा से सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। सबसे पहली बार 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि बहुमत ना होने से उनकी सरकार महज 17 दिन में ही गिर गई थी। 16 मई को पहली बार पीएम बने अटल 1 जून 1996 तक 17 दिन ही सत्ता पर काबिज रहे। बाद में 1998 में फिर से सरकार बनाई, लेकिन इस बार भी संख्या बल से मात खा गए और 13 महीने बाद 1999 में उनकी सरकार दूसरी बार गिर गई। लेकिन अटल अपनी और भाजपा की जीत को लेकर अटल थे और एक बार फिर चुनाव में उतरे। 19 मार्च 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने पिछली बार के मुकाबले एक से अधिक स्थिर गठबंधन वाली सरकार बनाई और अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल के नेतृत्व वाली भाजपा ने 1999 में 13 दलों के साथ की गठबंधन कर सरकार बनाई थी। 22 मई 2004 तक अटल भारत के प्रधानमंत्री रहे। कार्यकाल खत्म होने के बाद अगले वर्ष यानी 2005 में अटल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उम्र के साथ कमजोर हो रहे अटल जी का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।